बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। अगर जिन्हें पत्रकारिता में डर लगता है उन्हें पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए तो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि पत्रकारिता आज लोगों के विचार और निर्णय को प्रभावित कर रहा है। और अगर यह निर्णय जो प्रभावित हो रहा है वो निर्णय अगर सकारात्मक कड़ी में हो, सकारात्मक सोच के साथ हो, तो परिवर्तन होगा। क्योंकि आज सकारात्मक विचारधारा का कहीं ना कहीं कमी हो गया है, और जब से आर्थिक दृष्टिकोण से पत्रकारों की संख्या बढ़ी है, या फिर कह सकते हैं कि बड़े बड़े मीडिया हाउस के लोग पत्रकारिता पर अपना कब्जा जमा लिए हैं, तब से राष्ट्र निर्माण की बात दूर चली गई है। अब सही खबरें कम, और जैसा कि लोग बता भी रहे थे कि हेडलाइन बनाने में व्यस्त रहते हैं, कहीं कहीं टीआरपी की जो है भीड़ रहती है, तो कहीं विज्ञापन का होड़ रहता है, विज्ञापन लेना रहता है, प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे सरकारी विज्ञापन लेना है तो उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी पत्रकारिता इस राष्ट्र के लिए हितकर नहीं हो सकता है। अगर जिन्हें पत्रकारिता में डर लगता है उन्हें पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए, हसनैन साहब जैसा कह रहे थे, क्योंकि पत्रकारों की भूमिका राजनेताओं से भी सामने सामने कह सकते हैं कि खबर के माध्यम से उनका विरोध झेलना पड़ता है, पदाधिकारियों का विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि पत्रकार किसी राजनेता का सत्ता के गलियारे में बैठे हुए लोगों का या फिर पदाधिकारियों के लिए नहीं होते, बल्कि पत्रकार आम जनता की आवाज है, और इस राष्ट्र के या फिर किसी भी देश के आवाज जो है जनता का आवाज, आंख कान और मुंह की भूमिका में पत्रकार लोग होते हैं। इसलिए आज के दौर में राष्ट्र निर्माण पर जो बात चल रही है उसमें पत्रकारों को खासकर देश लेवल पर, यह नहीं कि जिला लेवल पर बल्कि देश लेवल पर परिवर्तन की जरूरत है। और हम समझते हैं कि अगर लोग टीआरपी और विज्ञापन को छोड़ देंगे तो शायद यह संभव होगा, लेकिन विज्ञापन और टीआरपी के साथ यह संभव नहीं है, क्योंकि जो लोग कॉर्पोरेट से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उनसे भी विज्ञापन चाहिए, जो पदाधिकारी हैं उनसे विज्ञापन चाहिए, सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों से विज्ञापन चाहिए, तो फिर पत्रकारिता नहीं हो सकता है। पत्रकारिता करने के लिए कहीं ना कहीं स्वतंत्र रहना होगा और अपना हित को छोड़ना होगा। अगर कोई चाहे कि मेरा हित नहीं सध रहा है तो हम इस पदाधिकारी के खिलाफ खबरें छापेंगे, मेरा हित नहीं सध रहा है तो हम इस नेता विधायक के खिलाफ खबरें छापेंगे, तो वो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। बल्कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए निस्वार्थ भाव से आजादी के पहले जैसे एक जनचेतना के तरह, एक मुहिम के तरह लोग पत्रकारिता करते थे, उसी तरह से हम लोगों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। आजकल एक विडंबना है कि देश लेवल पर भी कह सकते हैं, यहाँ सब लोग पत्रकार ही बैठे हुए हैं, पदाधिकारी भी हैं, उन्हें भी पता है कि हर मीडिया संस्थान में विवाद है, और वह विवाद कहीं ना कहीं इस राष्ट्र निर्माण को अवरुद्ध कर रहा है, क्योंकि जो सही खबरें हैं वो खबरें नहीं छप रही है। अगर हम बीबीसी महोदय के खिलाफ खबरें छापे तो यहाँ कई अखबार जो है उनके पक्ष में खबरें निकाल देंगे। अगर हम सूचना जनसंपर्क की कमियों को बताएं तो कई लोग जो है उनके पक्ष में खबरें छाप देंगे, तो इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। बल्कि राष्ट्र का निर्माण तब होगा जो सही चीजें हैं उसे सही जगह पर रखा जाए और सच्चाई के साथ उस बात को बताया जाए, क्योंकि हमारी आपकी आजादी लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि ये लोग हमारी बात को उठा सकते हैं। आम जनता आपको जहां भी सड़क पर मिलते हैं कम से कम प्रणाम करते हैं, चाय पिलाते हैं, इस उम्मीद में कि अगर मेरी बात को कोई पदाधिकारी तक रख सकता है तो वे ही रख सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट और सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के बीच में अगर हम लोग संकीर्ण अपने आप को बंधे हुए महसूस करेंगे तो फिर निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होगी और राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। पत्रकार की भूमिका जन चेतना लाना है, और पत्रकार की भूमिका यह होनी चाहिए कि इससे आम जनता का फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, बल्कि आम जनता को किस बात से फायदा हो रहा है, कौन सी योजनाएं आई, योजना कहां क्रियान्वयन हुआ, यह खबर नहीं है। बल्कि इससे ज्यादा बड़ा खबर यह है कि जो योजना आया उसमें भ्रष्टाचार कहां हुआ, जो योजनाएं आए वो पटल पे क्यों नहीं पहुंचा, और
जिन लोगों के लिए योजना बनाई गई, जिन लोगों को लाभ लेना था, उन लोगों को लाभ क्यों नहीं मिला। लेकिन आजकल प्रेस विज्ञप्ति का जमाना है और उसी विज्ञप्ति को छाप कर समझते हैं कि पत्रकारिता हो गया। कई मतलब हम नाम नहीं लेंगे, यहाँ का बात भी नहीं है, लेकिन अखबार पढ़ते हैं तो पहले लोग इस तरीके से कमेंट करते थे, एक्चुअली हम पोर्टल से हैं तो कई लोग कहते थे पोर्टल में जो है खबरें भ्रामक रहती है, अशुद्ध रहती है। लेकिन आजकल एक दौर आ गया है कि अखबार के पन्नों को भी आप रखेंगे तो कई गलतियां मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आज यहाँ जो है वो समय कम दे रहे हैं अपना, जैसा कि हसनैन साहब बोले कि पेपर का जो स्पेस है या फिर जहां भी जिस भी संस्थान में उसे भरना लोग ज्यादा उचित समझ रहे हैं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर होता है कि आपको 1900 शब्द भेजना है, 2000 शब्द भेजना है, तो 2000 शब्द कैसे पूरे होंगे। आप डीडीसी सर, डीएम सर का जो आ गया खबर उसी में उठाइए, कॉपी करिए और डाल दीजिए, उसमें अगर कोई गलतियां भी आ जाती है तो गलतियां भी छप जाती है। तो इन सब चीजों पर हम लोगों को विचार करना होगा और इसमें सभी मीडिया कर्मियों को आगे बढ़ना होगा ताकि राष्ट्र निर्माण में हम लोगों की भूमिका हो और उन खबरों को सबसे ज्यादा प्रमुखता से दिखाना होगा जो कि जनता के लिए बनाई गई थी, जनता के लिए जो क्रियान्वयन करना था, जिसका लाभ जनता को मिलना था, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है, वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। खबर यह नहीं है कि राष्ट्रीय जो है प्रेस दिवस के अवसर पर एक आयोजन हुआ, उसमें साउंड चद्दर दिया गया। हमारे मृत्युंजय भैया बता रहे थे कि डीएम साहब नहीं आए। खबर यह है कि एक जिले के तमाम पत्रकारों को बुलाया जाता है सुबह के 11 बजे, जबकि यह पहले से कार्यक्रम 3 बजे 4 बजे होती नहीं है, लेकिन इसमें भी डीएम साहब नहीं आते हैं। डीडीसी है सर, है सूचना जनसंपर्क अधिकारी है, लेकिन यह चर्चा का विषय तो जरूर है कि आखिर जो एक कॉल पर आपके 365 दिन दौड़ते हैं उनके एक कार्यक्रम में भी 5 मिनट के लिए भी समय नहीं होता है। यह समय आपके ऑफिस के आपके कार्यालय के आधार पर तय किया गया समय है। ये समय क्यों नहीं मिल रहा है? हम समझते हैं कि इस सबके पीछे हम लोग दोषी हैं, क्योंकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हम लोग इस बात को रख नहीं सकते हैं। अगर जाकर कोई दो लोग कह दिए कि डीएम सर आप नहीं आए थे, फलाने फलाने लोग नाराज थे, तो 4 लोग जाकर मिल रहे हैं, हम लोग तो भाई बिल्कुल खुश हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, तो आपको आना भी नहीं चाहिए था सर। तो ये सब चीजों से हम लोगों को ऊपर उठना होगा और कोई भी पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं हो पाएगा, हर पत्रकार पत्रकार होता है। तो एक खबरें किसी की बड़ी स्टोरी बन सकती है, तो एक खबर कोई बड़ा असर दिखा सकता है। चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव फंसे, तमाम लोग फंसे, लेकिन शायद बहुत लोग कम लोगों को पता होगा कि वो एक जिला का पत्रकार जो है इस बात को उठाया था और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से लोग फंसते गए। तो किसी भी गलत चीजों को दिखाने के लिए बड़ी प्लेटफॉर्म छोटी प्लेटफॉर्म नहीं होती है। अगर एक छोटे प्लेटफॉर्म से ही किसी चीज की शुरुआत की जाए तो वो बड़ा बन सकता है, और इससे कोई मतलब नहीं है कि जहानाबाद की खबरें पूरे देश में चल रही है या फिर जहानाबाद में चल रही है। अगर जहानाबाद में खबरें चल रही है, जहानाबाद के लोग जरा उस बात को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो पत्रकारिता का जो असर है वो हो रहा है, क्योंकि हर अखबार और हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बटा हुआ है। अखबार की कई जो है संस्करण आती है हर जगह पे, आप यहाँ के अखबार पटना में नहीं पढ़ेंगे, पटना के अखबार आरा में नहीं पढ़ेंगे, गया में नहीं पढ़ेंगे, या फिर जो रीजनल चैनल है उसकी खबरें झारखंड में नहीं दिखाई जाएगी, हरियाणा में नहीं दिखाई जाएगी, दिल्ली में नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन अगर सच खबर होती है, उसमें दम होता है, तो वो खबरें इंटरनेशनल बन जाती है, नेशनल बन जाती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि सब लोग बराबर है और पत्रकारिता का एक ही मकसद है, सकारात्मक सोच के साथ, सूचनात्मक खबरों के साथ साथ जनता की आवाज बनना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।